उधर पश्चिमी तट पर ताऊते की ताकत से देश अब भी उबर नहीं पाया है और अब पूर्वी तट पर तूफान आने वाला है। यास तूफान 26 मई को बंगाल और उड़ीसा में तबाही मचाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में नेवी और एनडीआरएफ ने अभी से ही कमर कस ली है। सावधान, फिर आ रहा है तूफान। सावधान, पूर्वी तट पर कहर ढाएगा तूफान। पश्चिमी तट को तौकते ने झकझोरा और अब पूर्वी तट पर आफत आ गई है। ओडिशा और बंगाल पर चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है और ये तूफान 26 मई को बंगाल और ओडिशा में तबाही मचा सकता है। यास तूफान अपने साथ 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं ला सकता है। 26 और 27 मई को तूफान सबसे ज्यादा तबाही मचा सकता है। किसी भी तरह के आपात हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ को अभी से तैनात कर दिया गया है। कोलकाता के अलावा हावड़ा और 24 परगना में भी एनडीआरएफ को तैनात कर दिया गया है। एनडीआरएफ की 12 कंपनियां अभी तैनात की गई हैं। टोटल हमारी 4 टीमें आ रही हैं, 2 टीम पहुंची है और 2 आज रात तक पहुंच जाएगी। और हमारा बेसिकली काम है साइक्लोन आने से पहले जो कोस्टल एरियाज में विलेजेस में जो लोग रहते हैं, जो वल्नरेबल है ज़्यादा, उनको सेफ प्लेस पे इवैक्यूएट करना, तो लोगों को जागरूक करना कि साइक्लोन के टाइम हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं और कैसे अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं। तौकते ने जैसे मुंबई के समंदर में तबाही मचाई, वैसे हालात से निपटने के लिए नेवी पहले से ही मुस्तैद हो गई है। नेवी के 4 शिप को बंगाल और ओडिशा के लिए स्टैंड बाय पर रखा गया है। आईएनएस देगा और आईएनएस रजाली को एरियल सर्वे के लिए लगाया गया है। नेवी के एयरक्राफ्ट को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। नेवल एयर स्टेशन पर भी इमरजेंसी की तैयारी कर ली गई है। कोस्ट गार्ड भी पूरी तरह मुस्तैद है और मछुआरों से तुरंत तट की तरफ लौटने को कहा गया है। मछुआरों ने अपनी नाव को सुरक्षित करना भी शुरू कर दिया है। समंदर से खींच कर नावों को जमीन पर लाया जा रहा है। उम्मीद है कि यास तूफान से निपटने के बंदोबस्त वक्त रहते पूरे कर लिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी के